मेरा ना बचपन से बस एक ही सपना था कि कॉलेज जाऊंगी, दूसरे सिटी में हॉस्टल लेके अकेले रहूंगी। एंड भगवान ने मेरी सुन भी ली। लाइक भगवान यार, मैं तो बच्ची थी ना, पर आपको तो सब पता था कि हॉस्टल कैसा होता है, तो क्यों किया भाई मेरे साथ ये। अच्छा, जब हम अपने घर से दूर जाते हैं ना, जो भी लोग यहाँ घर से दूर आके रह रहे होंगे ना, उन्हें पता होगा, वो रिलेट कर लेंगे। हमें बहुत सारी एडवाइसेस मिलती हैं, कुछ फ्रेंड्स से, कुछ फैमिली मेम्बर से, मेरे को भी मिली। और अगर हम लड़कियाँ हैं ना, तो और भी ज़्यादा एडवाइसेस मिलती हैं। तो जो मेरी दादी ने कुछ एडवाइसेस दी थी, वो मैं बताना चाहूँगी। पहला एडवाइस था दादी का मेरे की, बिट्टी हुए जाके ना घुटने के नीचे वाले कपड़े ही पहनो, घुटने के ऊपर वाले कपड़े हुए ना ही पहने एक बार। जो दूसरी एडवाइस मेरी दादी ने दी थी वो ये थी कि बिट्टी मुझे जाके कौनो फ्रेंड आ जिन बनाए लो, फ्रेंड ही से ही दोस्ती करू। गर्ल्स हॉस्टल सीरीज देख के आई थी, सोचा था जाहिरा अली बनूंगी, पर मिली बन के रह गई हूँ। ना यहाँ कोई हॉस्टल क्लब, ना कोई लड़ाई, ना झगड़ा, ना चोरिया, भाई हॉस्टल वाली फील ही नहीं आ रही, फील ही नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रहा खुश हो या दुखी हो, बोर कर दिया क्या मैंने? नहीं, नहीं, नहीं। नाम सौम्या।